हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रूम योरसेल्फ। मैं अंकिता आज की इस वीडियो में लेकर के आई हूँ गाइस मीशो ब्लाउज हॉल। यस गाइस, आज से लगभग कुछ मंथ पहले मैंने मीशो ब्लाउज हॉल किए थे और वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया था। मीशो के ब्लाउज की रिव्यूज बहुत पसंद आई थी, उस वीडियोस में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था। साथ ही साथ रिक्वेस्ट की थी कि मैं मीशो के और ज्यादा ब्लाउज हॉल लेकर के आऊँ और ब्लाउज की रिव्यूज शेयर करूँ। कुछ एक ब्लाउज तो आप लोगों ने खुद ही मुझे रिक्वेस्ट किया था रिव्यूज करने के लिए, तो आप लोगों ने जितना भी रिक्वेस्ट किया था वो सारे ब्लाउज मैं लेके आई हूँ। साथ ही साथ मैंने कुछ ब्लाउज अपने चॉइस का भी ऐड किया है इस हॉल में आप लोगों के लिए। सो आज का हॉल होने वाला है मीशो डिजाइनर ब्लाउज हॉल, और सारे के सारे ब्लाउज जो हैं वो 500 समथिंग है। 500 नहीं भी होंगे तो अंडर 600 तो श्योर है, 600 से ऊपर कोई भी ब्लाउज नहीं है। तो फटाफट आज का हॉल स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मीशो नहीं जानते हैं तो मीशो एक रीसेलिंग वेबसाइट है जिससे आप ना तो अपने लिए तो परचेस कर ही सकते हैं बल्कि आप उसकी हेल्प से रीसेल भी कर सकते हैं, बहुत ईजिली रीसेल कर सकते हैं। सो यदि अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी तो आप वहां से डाउनलोड करें। साथ ही साथ मैं कमेंट सेक्शन पे भी पिन कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड करें तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पे मैक्सिमम 30% या फिर 100 rupees का ऑफ मिल सकता है। तो मेक श्योर आप वहां से डाउनलोड करें और आप स्टार्ट कर लेते हैं अपना हॉल। हॉल स्टार्ट करने से पहले जस्ट मेक श्योर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल का आइकन है जिसको आप हिट कर दीजिए ताकि आप हमारे अपकमिंग वीडियो से नोटिफाइड रहे और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के हॉल का जो हमारा फर्स्ट ब्लाउज है, यू गाइस कैन सी दैट ये नेवी ब्लू कलर का ब्लाउज है। फ्रंट से आप देख सकते हैं सिंपल स्क्वायर काइंड ऑफ नेक पैटर्न है इसका, और इसका जो मटेरियल है वो नेट का मटेरियल है एंड अंदर आपको लाइनिंग मिल जाती है। सो इसके अपर पार्ट का मटेरियल नेट का है और जिसमें आपको लाइनिंग मिल जाती है एंड सिल्वर कलर की इसमें सीक्वेंस का वर्क किया गया है, लाइक इसमें सीक्वेंस को थ्रेड से ऐड किया गया है और ऐसे डिजाइंस बनाए गए हैं। यू गाइस कैन सी दैट। सो फ्रेंड्स, ये ऐसे दिखता है। बैक साइड से मैं इसकी बात करूं तो बैक साइड आप देख सकते हैं यहां आपको क्लोज करने के लिए ब्लाउज को हुक मिल जाती है, 3 से 4 हुक मिलते हैं। साथ ही साथ यहां आप देखेंगे साइड से, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ऐसे छोटे छोटे पोटली बनाए गए हैं कपड़ों की, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है बैक साइड से। एंड यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ आपको ऐसे ये क्लोज्ड हो जाता है पीछे साइड से, लाइक बैक साइड से ये ऐसे पूरा क्लोज्ड हो जाता है। नीचे डोरी दी गई है जिसकी हेल्प से ये क्लोज्ड हो जाएगा और ऐसे लुक आएगा, लाइक यहाँ पे ऐसे डिज़ाइंस बन जाएगी। सो पीछे से भी इसका, बैक से भी इसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। मैं इसको क्लोज करके नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि मुझे जो ब्लाउज रिसीव हुआ वो थोड़ा सा डिफेक्टिव है, लाइक एक ही डोरी है, एक डोरी नहीं लगी हुई है इसमें। सो मैं इसको एक्सचेंज करने के बारे में सोच रही हूँ। सो मुझे डिफेक्टिव पीस मिला है बट पीछे इसका लुक काफ़ी प्यारा आएगा, लाइक आप दोनों डोरियों को टाई अप करेंगे तो खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के आएगा। साथ ही साथ इसका स्लीव काफ़ी प्यारा है, यू गाइस कैन सी दैट कि इसका स्लीव रफल काइंड ऑफ स्लीव है, आपको दो रफल्स मिल जाते हैं यहाँ पे, तो ये काफ़ी सुंदर आप स्लीव आता है। ट्राई ऑन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये ब्लाउज बहुत ही खूबसूरत है एंड इसमें आपको बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, लाइक इसमें काफ़ी सॉलिड कलर हैं, रेड है, ब्लैक है, एज वेल एज गोल्डन कलर भी है। जिनको गोल्डन कलर पसंद है, लाइक मैक्सिमम लोगों को गोल्डन कलर पसंद होता है क्योंकि गोल्डन कलर सभी साड़ियों के साथ चला जाता है, तो इसमें आई थिंक कि सारे कलर अवेलेबल हैं, ग्रीन है। सो आप अपनी साड़ियों के मैचिंग के अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं। अंदर आपको काफ़ी अच्छी वाली लाइनिंग मिल जाती है, लाइनिंग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड इसमें भी आपको पैडिंग मिल जाती है। पैडिंग मैं आपको दिखा देती हूँ, पिछले वीडियोस में मैंने पैडिंग नहीं दिखाई थी तो कुछ रिक्वेस्ट आए थे कि आप पैडिंग भी शो किया करिए ताकि हमको आइडिया मिल जाए। सो यू गाइस कैन सी दैट कि इतनी थिकनेस की आपको पैडिंग मिलती है, लाइक हाफ इंच थिकनेस की आपको पैडिंग मिलती है और पैडिंग की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, बहुत गंदे क्वालिटी की पैडिंग नहीं है। यदि आप कंफर्टेबल में फील करते हैं तो आप इसको विदाउट इनर वेयर के साथ भी पहन सकते हैं। सो इसके लिए जो मैंने प्राइस पे किया है वो 376 rupees पे किया है और इसमें जो मैंने साइज़ चूज किया है वो साइज़ मैंने 30 लिया है, लाइक यदि आपका 36 तक बस्ट है तो आप 30 साइज ले सकते हैं, इसमें फिर भी आपको मार्जिन मिल जाता है। लाइक यदि आप 36 बस्ट है और साइज 30 चूज करते हैं उसके बाद भी अल्टर कराना पड़ेगा, मैंने थोड़ी थोड़ी सी टाइट करवाई है बट मैंने साइज 30 लिया है। नेक्स्ट जो ब्लाउज मैंने लिया है वो ये है गाइज, यू गाइज कैन सी दैट कि ये बहुत ही पॉप आउट ग्रीन कलर, लाइक पैरेट ग्रीन कलर आप बोल सकते हैं। सो ये मैंने पैरेट ग्रीन कलर में लिया है और फ्रेंड्स इसका नेक आपको राउंड नेक मिलेगा, आप देख सकते हैं ऐसे आपको नेक मिलता है। एंड मैं बैक साइड की बात करूँ, लाइक बैक साइड में आपको ऐसे डिज़ाइन मिलेगी, नेक का डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा,
एंड आपको यहाँ पे नीचे काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस मिल जाती है। लाइक इसका नेक जो है बैक साइड से काफ़ी डीप है और नीचे आपको ऐसे चुन्नट चुन्नट वाली डिज़ाइंस मिल जाती है। पिछला हॉल यदि आपने मेरा देखा है, नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में मैं आपको दे दूँगी, तो आप देख सकते हैं। सो मैंने ऐसा ही सेम ब्लाउज लिया था, बट मैंने इसमें हाफ स्लीव लिया था, हाफ स्लीव का ब्लाउज था, बट इस बार मैंने इसको 1/3 स्लीव वाला ब्लाउज लिया है। सो उसी का एक ये पैटर्न है, आपको इसमें कई टाइप के पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। सो मैंने सेम ही पैटर्न में लिया है, बस स्लीव का डिफरेंस है दोनों में। तो नीचे आपको काफ़ी अच्छा चुन्नट चुन्नट वाला डिज़ाइंस मिल जाता है। लाइक ऐसे ब्लाउज़ हरियाणवी या राजस्थानी लोग पहनते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। सो ये है, ये ब्लाउज़ काफ़ी लंबा है, लाइक इसका जो लेंथ है वो काफ़ी लंबा है, आप देख ही पा रहे होंगे, और ज़्यादा आप ट्राई ऑन में देख लेंगे। एंड क्योंकि इसका बैक काफ़ी डीप है तो आपको ऐसे इसमें डोरी मिल जाती है जो कि आपको सपोर्ट देती है। आप चाहें तो ये डोरी की जगह में अपनी डोरी लगवा सकते हैं अलग से, या फिर लटकन आप चेंज कर सकते हैं। लाइक इसमें सेम क्लॉथिंग का मटेरियल दिया हुआ है लटकन में, तो आप चेंज भी कर सकते हैं इसको। सो ये है इसका जो स्लीव है वो 1/3 स्लीव है, एंड स्लीव में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर डिज़ाइन दिया है। लाइक ऐसे ये पूरा ओपन होगा, ये ऐसा खूबसूरत सा डिज़ाइन है, चुन्नट चुन्नट करके इसमें डिज़ाइंस बनाई गई है। स्लीव इसका काफ़ी प्यारा लगेगा, जब आप वेयर करेंगे तो कुछ ऐसा इसका स्लीव आता है। सो स्लीव इसका काफ़ी सुंदर है, एंड इसमें काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस बनी हुई है। लाइक इसमें ब्रोकेट काइंड ऑफ फैब्रिक है, बट नॉट प्योर ब्रोकेट, क्योंकि इसका कपड़ा ब्रोकेट जैसा हार्ड नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है। साथ ही साथ इसमें अंदर आपको लाइनिंग मिल जाती है, लाइनिंग की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, लाइक कॉटन की लाइनिंग मिलती है आपको, जिसको आप कंफर्टेबली वेयर कर सकते हैं। अब इसमें भी आपको कई सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक पिंक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, जो भी कलर चाहें आप इसमें पिक कर सकते हैं। एंड आपको इसमें पैडिंग मिल जाती है, सेम आपको इसमें पैडिंग मिल जाती है। पैडिंग की मैं क्वालिटी की बात करूँ तो आपको एवरेज काइंड ऑफ क्वालिटी मिलती है पैडिंग की, और पैडिंग की थिकनेस अगेन आपको हाफ इंच से भी कम, लाइक इतनी मोटी आपको पैडिंग मिलती है। लाइक आपको 2-3 सेंटीमीटर मोटी पैडिंग मिलती है, ज़्यादा तो नहीं, बट इतनी मोटी आपको पैडिंग मिलती है, जिसको आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं इफ़ इन केस यू आर नॉट कंफर्टेबल। तो यहाँ से स्टिच रहती है बीच से, तो आप उसको ओपन करके रिमूव कर सकते हैं। एंड इसके लिए जो मैंने प्राइस पे किया था वो 425 रुपीज़ पे किया था, और इसमें जो मैंने साइज़ पिक किया था वो 36 पिक किया था, बिकॉज मुझे और इसका कम साइज़ नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने 36 साइज़ ले लिया। लाइक इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फ़िट कराना पड़ा है, बट आप ईज़िली अपने साइज़ में, लाइक आप लार्ज साइज़ ले करके अपने साइज़ में फ़िट करा सकते हैं। सो मैंने ये लिया है, और आपको सारे जो ब्लाउजेस हैं उनका प्रोडक्ट कोड, क्योंकि मीशो पे लिंक नहीं होता, प्रोडक्ट कोड होता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप चेक कर लें। सो ये था हमारा सेकेंड ब्लाउज। नेक्स्ट जो मैंने ब्लाउज लिया है वो ये लिया है, गाइस यू गाइस कैन सी दैट कि ये पिंक कलर का ब्लाउज है। लाइक इसमें भी आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, बट मैंने पिंक कलर लिया था बिकॉज पिंक कलर की ब्लाउज मेरे कलेक्शन में नहीं थी, सो मैंने पिंक कलर चूज किया। इसमें आपको रेड, ब्लैक, ग्रीन, ऐसे सॉलिड कलर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इनफैक्ट ब्लू कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी आई कैचिंग था। फ्रंट से आप देखेंगे तो फ्रंट से जो इसका नेक है वो राउंड नेक है, एंड राउंड होने के साथ साथ ये बोट नेक है, लाइक पूरी तरीके से आपके नेक को क्लोज्ड कर देता है, काफ़ी चढ़ा हुआ बोट नेक है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, साथ ही साथ इसमें गोल्डन कलर की मोतियों से वर्क भी किया गया है, पूरी मोतियाँ लगाई गई है, एंड गोल्डन कलर का काफ़ी भरा हुआ एम्ब्रॉयडरी की गई है। फ्रेंड्स इसमें काफ़ी सारे हुक लगे हुए हैं जिसकी मदद से ब्लाउज ओपन एंड क्लोज्ड होगा। एंड इसका जो स्लीव है वो भी काफ़ी भरा हुआ स्लीव है। ये ब्लाउज काफ़ी हद तक साउथ इंडियन ब्लाउज से इंस्पायर्ड है, ऐसे ब्लाउज साउथ इंडियन लोग पहनते हैं, एंड सिल्क की साड़ियों में और कॉटन की साड़ियों में ऐसे ब्लाउज काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो यू गाइस कैन सी दैट कि इसका जो स्लीव की लेंथ है वो यहाँ तक आती है, लाइक यहाँ तक इसकी लेंथ है, और इस लेंथ की स्लीव काफ़ी अच्छी लगती है, और इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे है। एंड साथ ही साथ जो इस लेंथ की स्लीव होती है ना, वो कभी आउट ऑफ ट्रेंड्स नहीं जाता है, इस लेंथ की स्लीव हमेशा ट्रेंड पे रहती है। सो स्लीव भी काफ़ी भरा हुआ है, काफ़ी सुंदर इसमें डिज़ाइंस बने हुए हैं, लाइक फूल्स बना हुआ है, और इस टाइप इसमें ताजमहल काइंड ऑफ डिज़ाइंस बनी हुई है, काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है। इसमें पूरा गोल्डन थ्रेड एंड मोतियों से वर्क किया गया है, एंड इसकी जो एम्ब्रॉयडरी की गई है वो इतना नीट एंड क्लीन वर्क किया गया है, कहीं से भी कोई भी धागा बाहर नहीं निकला हुआ है, काफ़ी रिच एम्ब्रॉयडरी फील हो रही है। बोथ स्लीव में आपको काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस मिल जाती है, लाइक काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है।
और साथ ही साथ इसका जो बैक है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बैक साइड से भी इसका जो नेक है पूरी तरीके से क्लोज्ड नेक है एंड बैक से इसमें डिज़ाइन जो की गई है काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी की गई है। यू गाइस कैन सी दैट कि इसमें काफ़ी अच्छा बनाया गया है, लाइक काफ़ी फ्लावर्स काइंड ऑफ बनाया गया है और पीछे पूरा ताजमहल बनाया गया है पीछे से। साथ ही साथ इसमें पैडिंग मिलती है अगेन आपको, यू गाइस कैन सी दैट कि इसमें ऐसे इतनी मोटी पैडिंग मिलती है। वन सेकेंड, ये आपको इतनी मोटी पैडिंग मिलती है, लाइक अगेन 3 इंच मोटी पैडिंग मिलती है। इसकी जो पैडिंग की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। एंड एक बात, यदि आप ये पूरा क्लोज्ड नेक है लाइक बैक से एंड फ्रंट से दोनों साइड से काफ़ी क्लोज्ड नेक है, तो यदि आप पैडिंग में कंफर्टेबल नहीं हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है कि पैड वाली ब्लाउज में आप कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो आप इसको डेफिनेटली रिमूव कर सकते हैं। इन ब्लाउजों का बैक से नेक काफ़ी डीप होता है या फिर बैक ओपन होता है, वहाँ पे हमको पैडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसका ईजिली पैड रिमूव भी कर सकते हैं। सो ये मुझे रिसीव हुआ था, ये 500 से ऊपर था एक्चुअली में, ये मुझे रिसीव हुआ था 559 रुपीज़ में और इसमें मैंने जो साइज़ लिया था वो फ्री साइज़ लिया था। सो ये फ्री साइज़ में ही अवेलेबल था, तो इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा अल्टर कराना पड़ता है। लाइक ये जो ब्लाउज़ है वो यदि आपका बस्ट साइज़ 40-42 तक है तब भी आ जाएगा, क्योंकि लाइक इसमें काफ़ी स्पेस था, तो मुझे अपना बस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग लाइक 36 के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अल्टर्स कराना पड़ा था। सो ये लिया है, तो आपका यदि बस्ट साइज़ 42 तक है तो आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने ब्लाउज़ लिया है वो ये लिया है गाइस, यू गाइस कैन सी दैट कि ये स्काई ब्लू कलर का ब्लाउज़ है एंड जो इसका ब्लू कलर है वो बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर है, लाइक स्काई ब्लू है बट बहुत प्यारा स्काई ब्लू है, क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो लाइक सिल्क काइंड ऑफ मटेरियल है, तो अलग से इसमें एक साइन ऐड कर देता है। मटेरियल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जो एक रिचनेस ऐड करता है इस ब्लाउज़ में। सो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट से इसका नेक राउंड नेक है, फ्रंट से राउंड नेक है एज वेल एज ये बोट काइंड ऑफ नेक आएगा, क्योंकि फ्रंट का नेक ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं पहनते हैं तो ऐसे ब्लाउज ले सकते हैं वो। सो ये लिया है, ये स्लीवलेस है एंड साथ ही साथ इसमें गोल्डन कलर की पाइपिंग दी गई है, बट ये यदि आप चाहें तो इसमें आपको स्लीव मिल जाता है जिसको आप ऐड कर सकते हैं, लाइक स्टिच करवा सकते हैं। तो यदि आप स्लीवलेस पहनने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप स्लीव भी लगवा सकते हैं, इतना छोटा सा स्लीव आएगा यदि आप इसमें स्लीव लगवाते हैं तो। और यदि आप स्लीवलेस पहनने में कंफर्टेबल हैं, आजकल स्लीवलेस ब्लाउज बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे हैं, तो आप स्लीवलेस भी पहन सकते हैं, लाइक लड़कियाँ और कम एज की जो यंगेस्ट लड़कियाँ हैं वो स्लीवलेस पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं, सो वो स्लीवलेस भी पहन सकते हैं। बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर की पाइपिंग दी गई है, ब्लू कलर में गोल्डन कलर की पाइपिंग काफ़ी उभर के आ रहा है एंड पूरे ब्लाउज में आपको ऐसे डिज़ाइंस मिल जाएगी, लाइक काफ़ी प्यारा डिज़ाइंस है, काफ़ी प्यारी एम्ब्रॉयडरी की गई है एंड गोटा पट्टी का वर्क किया गया है इसमें। सो बहुत प्यारा लग रहा है, ऑरेंज एंड गोल्ड कलर से पूरी एम्ब्रॉयडरी की गई है, बहुत नीट एंड क्लीन एम्ब्रॉयडरी है, कहीं से कोई भी एक भी थ्रेड नहीं निकला हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम बैक साइड से, तो यू गाइस कैन सी दैट कि बैक से ये काफ़ी डीप नेक है, इसमें राउंड नेक ही है आई थिंक, हाँ आपको काफ़ी डीप राउंड नेक मिल जाएगा बैक से। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डोरियाँ मिल जाएंगी, अगेन डीप बैक है तो आपको एडजस्ट करने के लिए जब भी डीप बैक होता है तो डोरियाँ ज़रूरी हो जाती हैं जो आपको एक सपोर्ट ऐड कर देती हैं। सो डोरियाँ मिली हुई हैं जिसमें ऐसे कपड़े के लटकन्स लगे हुए हैं जिनको आप अपने लटकन से रिप्लेस्ड कर सकते हैं यदि आपको कोई स्टाइलेड लटकन वगैरह लगानी है तो। एंड यहाँ से आपको हुक मिल जाती है यहाँ नीचे साइड पर, यहाँ पर आपको लाइक यहाँ नीचे साइड पे आपको हुक मिल जाती है, यहाँ पे 2-3 हुक लगे हुए हैं जिनकी हेल्प से ये क्लोज्ड होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से, आप देखेंगे नीचे साइड से तो काफ़ी प्यारा क्रिस क्रॉस डिज़ाइन आता है, लाइक आपके बेली बटन्स के पास काफ़ी प्यारा खूबसूरत डिज़ाइन आएगा क्रिस क्रॉस नीचे, इसका जो हेम लाइन है वहाँ पे काफ़ी प्यारा क्रिस क्रॉस डिज़ाइन है एंड यहाँ पे आपको ऐसे लटकन्स मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है नीचे से, इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है पहनने के बाद। सो ये लिया है, इसमें भी आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएगा तो आप मेक श्योर इसमें कलर भी चेक कर सकते हैं। इसका मटेरियल काफ़ी प्यारा है, अंदर से आपको लाइनिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है, कॉटन की लाइनिंग मिलती है अंदर से। बस एक ही चीज़ मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको पैड मिलता है, लाइक इतना मोटा आपको पैडिंग मिल जाएगी और मोटाई इसकी पैडिंग की लगभग 4
सेंटीमीटर मोटी आपको पैडिंग मिल जाती है। और इसकी जो पैडिंग की क्वालिटी है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, काफ़ी स्टिफ काइंड ऑफ पैडिंग है। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं या फिर आप इसको निकलवा सकते हैं। इनके यदि आप सिलिकॉन बेस्ड अंडरगारमेंट्स पहनना चाहते हैं, सिलिकॉन बेस्ड ब्रा वगैरह पहनना चाह रहे हैं, तो आप इसको पैडिंग को हटा करके सिलिकॉन ब्रा अपना पहन सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, बट ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है, मैंने ट्राई ऑन पर देखा था इसको पहनना। सो आप इजली इसका पैड रिमूव भी करा सकते हैं। सो ये मुझे रिसीव हुआ था 609 रुपीज़ में, ये 500 को क्रॉस कर गया, मुझे ध्यान नहीं था। सो आप इस हॉल को 600 अंडर 600 मान सकते हैं। और इसमें भी मैंने फ्री साइज लिया था, इसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अल्टरेशन की नीड पड़ी थी, लेकिन ये बिल्कुल वर्थ है क्योंकि इसके कपड़े की क्वालिटी, इसका डिज़ाइन, इसका लुक काफ़ी प्यारा आ रहा है। ये फ्री साइज़ है, तो अगेन यदि आपका वर्थ साइज 42 तक है, 40 तो आप मान ही लीजिए कि आपको आ जाएगा, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 42 वालों को भी आ जाएगा। नेक्स्ट जो मैंने ब्लाउज़ लिया है, यू गाइस कैन सी दैट कि ये ब्लैक कलर का ब्लाउज़ है जिसमें गोल्डन सीक्वेंस से पूरा वर्क किया गया है। ब्लैक में ये गोल्डन कलर का सीक्वेंस काफ़ी उभर के आ रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जो इसका नेक है वो वी नेक है, वी नेक का ब्लाउज़ बहुत प्यारे लगते हैं। आपने मेरा पिछला हॉल देखा होगा, ब्लाउज़ हॉल, तो मैंने उसमें वी नेक के कई सारे ब्लाउज़ लिए थे। सो अगेन मैंने यहाँ पे वी नेक का ब्लाउज़ लिया है, ब्लैक कलर में लिया है। आपको मीशो पे वी नेक के बहुत सारे ब्लाउज़ मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। वी नेक ब्लाउज़ जो है वो काफ़ी क्लास ऐड कर देता है, काफ़ी अच्छा लगता है और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे भी है। सो ये वी नेक है फ्रेंड्स, इसका जो वी नेक है वो छोटा वी नेक है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो आप इसको कम्फर्टेबली पहन सकते हैं। साथ ही साथ ये अभी स्लीवलेस है, बट यदि आप स्लीवलेस में कंफर्टेबल नहीं है, स्लीवलेस ब्लाउज़ नहीं पहन सकते, तो आप यहाँ पे स्लीव दिया हुआ है तो आप इसको अटैच करा सकते हैं। सो आप स्लीव अटैच करा लेंगे, उसके बाद आपकी स्लीव यहाँ तक आ जाएगी, तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। इनकेस यदि आप कंफर्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस इसमें लगाए गए हैं वो चिपकाए नहीं गए हैं, काफ़ी अच्छे धागे से स्टिच किए गए हैं, तो सीक्वेंस भी नहीं निकलेंगे। सीक्वेंस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कुछ होते हैं सस्ते वाले सीक्वेंस होते हैं जो काफ़ी चुभते हैं, तो ये चुभता भी नहीं है। और इसका जो क्लॉथ का मटेरियल है वो वेलवेट मटेरियल है। वेलवेट भी ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है, रेट्रो फैशन फिर से ट्रेंड पे आ गया है। वेलवेट का मटेरियल भी इस समय बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड है, वेलवेट के ब्लाउज, वेलवेट टॉप फिर से ज़्यादा ट्रेंड पे आ गए हैं। इसका मटेरियल वेलवेट का है, अंदर से आपको ब्लैक कलर की लाइनिंग मिल जाएगी, लाइनिंग की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी कॉटन की लाइनिंग दी गई है। एंड बैक साइड से भी आपको वी नेक ही मिलता है, यू गाइस कैन सी दैट कि फ्रंट का जो वी है वो छोटा वी है एंड बैक का जो वी है वो बड़ा वी है, आपको बैक पे डीप वी मिलेगा, डीप वी नेक मिल जाएगा, और पीछे ही यहाँ पे आपको 2 से 3 हुक मिल जाएंगे जिससे आपके ब्लाउज ओपन एंड क्लोज्ड होगा। तो ये पीछे से क्लोज्ड होने वाला ब्लाउज़ है एंड साथ ही साथ पीछे यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा लटकन मिल जाएगा जिसमें ऐसे सेम ही मटेरियल का ऐसे लटकन लगाया गया है, धागे लगे हैं एंड लटकन लगा है, तो ये काफ़ी सुंदर एक चार्म्स ऐड कर देता है आपके ब्लाउज़ पे। ये ब्लाउज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और ब्लैक कलर ऐसा कलर है कि आपके मैक्सिमम साड़ियों में चला जाता है। इनके यदि आपके साड़ी में नहीं भी जाता है तो आप ब्लैक कलर के ब्लाउज़ के साथ, गोल्डन कलर के ब्लाउज़ के साथ पहन सकते हैं। यहाँ आपको अगेन पैडिंग मिल जाती है, पैडिंग की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, ये स्टिफ नहीं है, सॉफ्ट क्वालिटी की पैडिंग दी गई है, तो आप कंफर्टेबली इसको वेयर कर सकते हैं एंड आप रिमूव भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। इनके यदि आप कंफर्टेबल नहीं है तो पैडिंग की जो थिकनेस है वो 3 सेंटीमीटर की थिकनेस है। ये जो ब्लाउज़ है इसमें अगेन मैंने फ्री साइज़ लिया था, बट ये जो ब्लाउज़ है वो आप 42 वालों तक को नहीं आएगा, ये 38 वाले तक ही पहन सकते हैं क्योंकि मैंने इसको अल्टर कराया है। अल्टर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कराया है, इतना ही मैंने इसको स्टिच कराया है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, तो ये 38 साइज़ तक ही वालों को आ पाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है और ये मुझे रिसीव हुआ था 371 रुपीज़ में। नेक्स्ट एंड लास्ट जो ब्लाउज़ है वो ये है गाइज, यू गाइज कैन सी दैट कि बहुत ही प्यारा सा येलो कलर का ब्लाउज़ है। आप देख सकते हैं कैमरे पर। मैं इसकी नेक की बात करूं तो अगेन ये वी नेक का ब्लाउज़ है, बट जो इसका वी नेक है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, काफ़ी अच्छा वी नेक है, यहाँ तक ही आता है, जितना मैंने ये टॉप वेयर किया है उतना ही आपको आएगा,
तो कंफर्टेबली आप वेयर कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ क्लॉथ को मोड़ मोड़ के ऐसी डिज़ाइन बनाई गई है, चुन्नट चुन्नट काइंड ऑफ डिज़ाइन बनाई गई है, तो एक चार्म्स ऐड कर देता है इस ब्लाउज पे। एंड इस ब्लाउज का जो मटेरियल है वो सिल्क काइंड ऑफ मटेरियल है, काफ़ी ज़्यादा चमक है इसके कपड़े में। मैंने इसमें येलो कलर लिया है, इसमें भी आपको बहुत सारा कलर ऑप्शन मिल सकता है, तो आप ले सकते हैं। येलो काफ़ी आई कैचिंग लग रहा था और मेरे पास येलो कलर का ऐसा कोई ब्लाउज भी नहीं था, सो मैंने येलो कलर लिया है। एंड येलो कलर में ऐसे ग्रीन एंड गोल्डन से फ्लावर्स बने हुए हैं, लीफ वगैरह बना हुआ है। ये प्रिंटेड ब्लाउज है, सो आप देख सकते हैं कि येलो में ऐसे डिज़ाइंस एंड ऐसे प्रिंट्स बनी हुई है। सो ये तो हो गई फ्रंट की बात, आपको ये स्लीवलेस ही मिलता है, यू गाइस कैन सी दैट ये स्लीवलेस है। एंड इसमें आपको अटैच करने के लिए अलग से कोई स्लीव नहीं मिलती है, तो यदि आप स्लीवलेस पहनने में कंफर्टेबल नहीं है तो ये ब्लाउज आपके लिए नहीं है, यदि आप स्लीवलेस पहनने में कंफर्टेबल हैं तो ये आपके लिए है। अंदर से आपको काफ़ी अच्छी लाइनिंग मिल जाती है, कॉटन की लाइनिंग है, तो कंफर्टेबली आप इसको वियर कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसके बैक साइड से, तो यू गाइस कैन सी दैट कि इसका बैक ऐसे है। इसका जो बैक है वो ओपन काइंड ऑफ बैक वाला ब्लाउज है, आपको दो धागे मिल जाते हैं, लाइक ये ऊपर से धागे हैं जिनको आपको ऊपर से ऐसे एडजस्ट करना है, अपने साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके वो बनाना है पीछे से, लाइक ये टाई अप काइंड ऑफ ब्लाउज है, आपको पीछे से टाई अप करना है। मैं आपको टाई अप करके दिखा देती हूँ, यू गाइस कैन सी दैट कि पीछे से ये ब्लाउज काफ़ी अच्छा ओपन होगा, लाइक ऐसे डिजाइन आएगा उसमें और आप ऐसे इसमें क्लोज कर सकते हैं धागों की मदद से। सो ये ऐसा है, तो इन केस यदि आप ओपन बैक पहनने में कंफर्टेबल हैं तो आप ये ब्लाउज ले सकते हैं, ये काफ़ी स्टाइलिश लगता है, काफ़ी अच्छा लगेगा। यदि आप यंगर हैं, आपका एज कम है, आप फेयरवेल के लिए या फिर आप किसी पार्टी या फंक्शन में पहनने के लिए साड़ी के ब्लाउज सर्च कर रहे हैं, तो टीनेजर्स के ऊपर ये ब्लाउज काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी सुंदर लगेगा, तो आप ले सकते हैं ये ब्लाउज, काफ़ी कलर में अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर लें। बैक से मुझे काफ़ी प्यारा लगा, बैक का डिज़ाइन ही बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये। इसमें भी आपको पैडिंग मिलती है, लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें भी आपको इतनी मोटी पैडिंग मिल जाती है, पैडिंग की मोटाई ठीक है, आपको ये 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी पैडिंग मिलती है, बट अगेन जो पैडिंग की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, स्टिफ पैडिंग है, तो आप कंफर्टेबल नहीं रह सकते हैं। बट इस ब्लाउज का आप पैड रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्यों, एक ही कंडीशन में कर सकते हैं जब आपको सिलिकॉन बेस्ड ब्रा पहनने हैं, अदरवाइज आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। सो इस ब्लाउज की जो प्राइस थी वो थी 362 रुपीज़, और इसमें जो मैंने साइज़ लिया था वो अगेन फ्री साइज़ लिया था, और अगेन इसको 38 बस्ट साइज़ वाले ले सकते हैं, लाइक ये 38 बस्ट साइज़ वालों तक को ईज़िली आ जाएगा। सो गाइस ये था मेरा मीशो ब्लाउज हॉल, आई होप इनमें से आपको कोई ना कोई ब्लाउज पसंद आया हो। आपका सबसे फेवरेट ब्लाउज कौन सा रहा है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन ब्लाउज से रिलेटेड आपको जो भी क्वेरी हो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हमेशा सारे कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। एंड यदि आप इन ब्लाउज को देखना चाहते हैं कि मैं कैसे मल्टीपल वे पे स्टाइल करती हूँ, मैं हमेशा इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाती हूँ स्टाइलिंग पर्पज रिलेटेड, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको मेरा हैंडल यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे से और ज्यादा अच्छे से जुड़ सकते हैं। सो मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी ही अगले वीडियो के साथ, तब तक आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, खुद से खुद को ग्रूम करते रहिए यार, जो कि है हमारा मोटिव। एंड बाय।